हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू अवर चैनल। आज हम सीखेंगे कुर्ती प्लस गरारा की कटिंग करना। इसके लिए मैंने दो फैब्रिक लिए, ब्लैक फैब्रिक, इससे हम कुर्ती तैयार करेंगे। इसके लिए हमें एक अस्तर की ज़रूरत होगी, तो ये मैंने ब्लाउज का पीस लिया है। ये मेरे नेट फैब्रिक लिया है 1/2 मीटर, और ये हमने सैटन फैब्रिक लिया है, ये टोटल 3 मीटर है। हमें इस कुर्ती के लिए सिर्फ 1/2 मीटर की ज़रूरत होगी। ये मेरा दुपट्टा है, इससे हम गरारा तैयार करेंगे। तो इसकी इनर फैब्रिक के लिए मैंने 1.5 मीटर सैंटून फैब्रिक लिया है। पहले हम कुर्ती की कटिंग करेंगे। इसके लिए मैंने अस्तर को 4 फोल्ड में बिछा लिया है। बंद वाला हिस्सा मेरी तरफ है, बंद वाले हिस्से की तरफ से मार्किंग करेंगे। अस्तर पर मार्किंग करेंगे 23 इंच। टोटल लंबाई है कुर्ती की 25 इंच। गले की गहराई की मार्किंग करेंगे। गले की गहराई रहेगी 3 इंच। बैक फ्रंट दोनों 3 इंच रहेंगे। यहाँ से आर्म होल को मार्क करेंगे 6 इंच। यहाँ पर हमें गले की ब्रॉड और तीरा दोनों की मार्किंग नहीं करनी है, सिर्फ गले की डिप और आर्म होल का निशान लगाना है। अब यहाँ पर जो हमने आर्म होल का निशान लगाया है, इस पर हम चेस्ट की मार्किंग करेंगे। तो चेस्ट आपने जो भी मेज़र की है उसका चौथाई भाग लगाएंगे। यहाँ पर लगाया है मैंने 6 इंच। इसको फोल्ड करेंगे और इसका हाफ निकालेंगे। ये निशान मैंने स्टेप के लिए लगाया है। इस निशान को आगे बढ़ाएंगे, ऊपर से 3 इंच स्टेप के लिए मार्किंग करेंगे, और गले की जो हमने गहराई लगाई है इससे इसको मिलाएंगे। तो ये गले की गहराई है और ये स्टेप का मार्किंग है। अब ये देखिए, इस तरीके से हम इसको आगे बढ़ा देंगे तो ये हमारे गले का ब्रॉड हो जाएगा, और यहाँ से यहाँ तक ये हमारा आर्म होल राउंड रहेगा। अब इसको आगे बढ़ाएंगे और इस तरीके से आर्म होल की गोलाई के लिए मार्क करेंगे, जैसा आप वीडियो में देख पा रहे हैं। जो मार्किंग हमने की है इस पर हम कटिंग करेंगे, और ऊपर का जो कपड़ा है ये हमारा वेस्ट हो जाएगा। अब ये देखिए, यहाँ पर मैंने लिख दिया है, ये हमारा स्टेप है और ये हमारा नेक रहेगा। अब ऊपर से कमर के लिए मार्क करेंगे 9 इंच पर, और हिप के लिए मार्क करेंगे 15 इंच पर। चेस्ट लगाया है हमने 6 इंच। कमर का निशान लगाएंगे 5.5 इंच पर। हिप राउंड लगाएंगे 7 इंच पर। मार्जिन का निशान लगाएंगे, यहाँ पर कपड़ा बचा है मेरा 1.25 इंच। तो इस तरीके से कमर पर भी मैंने 1.25 इंच लिया है। सभी मार्जिन के निशान को मिला देंगे, इसके बाद कटिंग कर लेंगे। अस्तर को रखकर दोनों फैब्रिक पर कटिंग कर लेंगे। तीनों फैब्रिक की कटिंग हो चुकी है, अब इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम सैटन और नेट दोनों फैब्रिक को अटैच करेंगे। सैटन फैब्रिक को फैलाएंगे और उसके ऊपर नेट फैब्रिक को रखकर चारों तरफ से सिलाई लगाएंगे। इसी तरीके से दूसरे वाले पार्ट को भी तैयार करेंगे। दोनों फैब्रिक अटैच करने के बाद इस पर हम स्टेप अटैच करेंगे। तो जो लेस हमने दुपट्टे में से निकाली है, इससे मैं स्टेप बनाऊंगी।
तो इसके लिए देखिए, जैसा आप वीडियो में देख पा रहे हैं, इस तरीके से आपको स्टेप को रखना है। आर्म होल पर जितना कपड़ा हमें सिलाई में दबाना है उसको हम मार्क कर लेंगे और उसके बाजू से ही स्टेप को रखेंगे और स्टेप के ऊपर सिलाई लगा देंगे। इसी तरीके से दूसरे तरफ भी आर्म होल पर मार्क कर लेंगे और स्टेप पर सिलाई लगा देंगे। अब इसके ऊपर अस्तर को स्टिच करेंगे। तो इस तरीके से अस्तर को बराबर से मिलाते हुए सिलाई लगाना है। कपड़े के साथ अस्तर को पिन कर देंगे। जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे कट कर देंगे। दोनों आर्म होल और नेक पर हमें स्टिच करना है। तो इस तरीके से मैंने इस पर मार्किंग कर दी है। इसी मार्किंग पर सिलाई लगाना है। देखिए, सिलाई हमने लगा ली है। अब आर्म होल पर कट्स लगाएंगे और अस्तर को पलटेंगे। ऊपर से सिलाई लगा लेंगे। सेम इसी तरीके से दूसरे वाले पल्ले को भी तैयार करेंगे। अभी तक आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कर दें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। दोनों पल्लों में ऊपर से सिलाई लगाएंगे और तीनों फैब्रिक को एक साथ अटैच कर लेंगे। बैक पल्ले में हमें जिप अटैच करनी है। इसके लिए कपड़े को हम डबल फोल्ड करेंगे, सेंटर बनाएंगे। नौ इंच की चेन हमें अटैच करनी है। तो इस तरीके से देखिए, मैंने चेन को रखा और यहाँ पर चेन को हम मेज़र कर लेंगे 9 इंच। 9 इंच पर मार्किंग करेंगे। जितना हमें अंदर फोल्ड करना है उसको छोड़ते हुए हमें 9 इंच मार्क करना है। चेन और कपड़े हमने दोनों पर मार्किंग कर ली है। अब कपड़े को हम सेंटर से कट करेंगे। अब चेन को हमें अटैच करना है कपड़े के साथ। तो इस तरीके से हम चेन को जितना चेन ऊपर फोल्ड में दबाना है उसको ऊपर निकालेंगे, उसके बाद यहाँ से स्टिच करेंगे। इसी तरीके से दूसरी तरफ भी स्टिच करेंगे और जितना भी एक्स्ट्रा चेन है इसको हम बाद में कट कर लेंगे। देखिए, चेन हमने अटैच कर ली है। दोनों पल्लों को बराबर से मिलाएंगे और साइड की सिलाई लगाएंगे। साथ ही दामन की भी सिलाई लगाएंगे। कुर्ती की सभी सिलाई लगा करके हमने इसको कंप्लीट कर लिया है। अब फ्रंट में हम लेस अटैच करेंगे। तो जो हमने दुपट्टे से लेस निकाली है इसी को हम 2 स्टेप में स्टिच कर देंगे। इस वीडियो में मैंने सिर्फ कुर्ती की कटिंग और स्टिचिंग आपको बताई है। गरारे की कटिंग और स्टिचिंग आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगी।